सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स को और दबाइए बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर के थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो आईसीआर के थर्ड राउंड काउंसलिंग के विषय में मैंने आईसीआर के हेल्प डेस्क से बातचीत किया तो उन्होंने ये जवाब दिया। सुन लीजिए लाइव बातचीत आईसीआर की हेल्प डेस्क से। हाँ सर नमस्कार, ये आईसीआर से बोल रहे हैं क्या सर, हेल्प डेस्क से? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी क्या आईसीआर की, यूजी की? तो सर ये जो सीटें खाली रह गई उनमें क्या डायरेक्ट कॉलेज में जाएं तो एडमिशन मिल जाएगा क्या? तो सर वो तो सही है, लेकिन अभी दे बच्चे काफी कंफ्यूजन में है। आपको कुछ तो मालूम होगा सर, हेल्प डेस्क पे बैठे हैं। हाँ नहीं वो तो सही है, लेकिन किसी किसी बच्चों को तो सर आप बताते हैं 10 तारीख तक ये रिफंड आ जाएगा, थर्ड काउंसलिंग होगी नहीं, किसी किसी को तो ऐसे बता रहे हैं सर आप। नहीं वो तो सही है, लेकिन सर आप काफी कुछ कुछ बच्चों को तो कुछ बता रहे हैं, हमें कुछ बता रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? कभी कोई बच्चे जब कॉल करते हैं तो बताते हैं 6 तारीख बाद शुरू होगी, 10 तारीख बाद थर्ड राउंड होगी, किसी किसी को बताते हैं है? नहीं पीजी का भी तो अभी कुछ नहीं डाला ना सर, अभी थर्ड राउंड के लिए ही बोला है सर। तो क्या ये कभी कभी ये कॉलेजों में भी हो रही है क्या, ये पता लग रहा है कि कॉलेज डायरेक्ट करवा रही? नहीं वो तो नोटिफिकेशन तो देख लेंगे सर, लेकिन एक बात तो सुनिए मेरी। नहीं वो तो सही है सर, लेकिन मेरे को एक चीज तो बताइए कि हम डायरेक्ट कॉलेज में जाएं तो वहां एडमिशन मिल सकता है क्या सर हमें? नहीं अभी कॉलेज में भी नहीं जाएंगे क्या सर हम, कॉलेज में या फिर डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे किसी भी? अच्छा अच्छा तो ये बिल्कुल भी पता नहीं है सर, होगी नहीं होगी, क्या हम कॉलेज में जाएं कहाँ जाएं? अच्छा ये तो कब तक आने की संभावना है सर, कुछ ऐसी डेट याट का भी कोई पता नहीं है क्या? अच्छा सर अभी साइट पे कुछ भी नहीं है तो सर होगा नहीं होगा ऐसा? तो आपको भी मालूम नहीं है सर, हेल्प डेस्क को भी मालूम नहीं है ये? ठीक है सर। तो दोस्तों ये थी आईसीआर के हेल्प डेस्क से हुई बातचीत। इन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि आईसीआर थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगी, होगी भी या नहीं होगी। लेकिन अभी सवाल यह उठता है कि जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट वैकेंट रह गई थी उनको कहां से भरा जाएगा, कॉलेज अपने लेवल पे भरेगा या फिर आईसीआर थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाएगा? तो वैसे तो इन वैकेंट सीटों का राइट जो है वो आईसीआर का ही है, आईसीआर कोई ना कोई नोटिफिकेशन डालेगा साइट पे कि इन सीटों को कैसे फिलअप किया जाएगा, या तो फिर कॉलेज से फिलअप करवाएंगे या फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाएंगे। तो जैसे ही हमारे को कोई इस विषय में अपडेट मिलेगी मैं आपको अवश्य दूंगा। तो मैं आपसे लेता हूं विदा, नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।